आज हमारे पास है Vivo T1 Pro 5G। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ए फोन है या आप ए फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर ऑफ स्क्रीन स्टाइल दिखाई देगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा स्टाइल आप चुनना चाहते हो यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले मोड दिखाई देगा, इसके अंदर आओगे ना तो यहाँ पे शेड्यूल कर पाओगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए या ऑल डे चाहिए, आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। या फोन स्लाइडली मूव करोगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो जाएगा, आज हमारे हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर नोटिफिकेशंस में जाओगे ना तो यहां पे कौन सा चीज शो करवाना चाहते हो यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में मैसेज शो नहीं करवाना तो अनचेक कर दूंगा, यहां पे देख लीजिए अनचेक हो जाएगा। जब मैं चेक करूंगा फिर से यहां पे आ जाएगा मैसेज का आइकन। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वजह से जब नोटिफिकेशन वगैरह आता है ना तो साइड से एक लाइट ब्लिंक करना शुरू करता है, उसको इनेबल करने के लिए डायनामिक इफेक्ट के अंदर यहाँ पे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट के अंदर इसको इनेबल करना पड़ता है। इसको इनेबल करने के बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे इनकमिंग कॉल के लिए लाइट इफेक्ट दिया गया है, आपके हिसाब से कोई भी लाइट इफेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे लाइट इफेक्ट दिया है, कोई भी कलर को यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना, मजा आता है ये सारे कलर जब ब्लिंक करना शुरू करता है, अच्छा लगता है। डायनामिक इफेक्ट के अंदर टच स्किन एनिमेशन दिखाई देगा, जहां जहां पे टच करोगे ना स्किन में वैसे ही यहाँ पे एनिमेशन दिखाई देगा। अगर आपको चाहिए ये फीचर्स तो इसको इनेबल कर सकते हो। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देख लीजिए मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक लाभ सिंबल आ रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यही है टच सिंबल। अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के वजह से फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन को भी चेंज कर पाओगे। डायनामिक इफेक्ट के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन दिखाई देगा, तरह तरीके का एनिमेशन है, आपको जो पसंद है वो सिलेक्ट कर लेना। फिंगरप्रिंट ओपन करने के टाइम जो एनिमेशन होता है उसको भी आप चेंज कर पाओगे, यहां पे देख लीजिए तरह तरीके का एनिमेशन है, कोई भी एनिमेशन को आप चुन सकते हो। पर्सनली मुझे जो एनिमेशन है मुझे बहुत पसंद है। फेस अनलॉक का एनिमेशन भी यहां पे दिया गया है, यहां पे देख लीजिए बहुत सारे एनिमेशन है। चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ पे दिया गया है, चार्जिंग के टाइम में कैसा एनिमेशन चाहिए आपको वैसे ही यहाँ पे आके सिलेक्ट कर पाओगे। यूएसबी का जो एनिमेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप चेंज कर पाओगे। इस फोन में एस कैप्चर देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में एस कैप्चर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीन शॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट, फनी स्क्रीन शॉट। अगर मैं फनी स्क्रीन शॉट के ऊपर टैप कर दूं और यहाँ पे कोई भी शेप को आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लासो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए एक ड्रॉ करता हूँ, आप जैसे ही ड्रॉ करोगे उतना ही स्क्रीनशॉट सिर्फ खुल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए मैं सेव करूंगा तो इतना ही स्क्रीनशॉट सिर्फ आया है, यहाँ पे देख लीजिए इतना ही स्क्रीनशॉट आया है, बाकी कुछ भी नहीं आया है। ऐसे भी थ्री फिंगर से आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हो और लॉन्ग स्क्रीनशॉट में टैप करोगे तो आपको जितना तक चाहिए उतना तक यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना, उसके बाद आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपके हिसाब से ले पाओगे और सेव कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। इस फोन में फोकस मोड देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में फोकस मोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आओगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो करने लगेगा, कैमरा, एल्बम, अमेज़न वगैरह। मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फोकस मोड को टर्न ऑन कर देता हूँ। जब किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को टर्न ऑन करोगे वो एप्लीकेशन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो उस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और नहीं तो ये एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर पाओगे। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करोगे ना तो यहाँ पे ग्लोबल सर्च खुल के आता है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में कुछ भी सर्च करना और रिजल्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे भाई लोग चाहता है अगर स्वाइप अप करूं तो यहां पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर आए, वो भी पॉसिबल है। होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, होम सेटिंग के अंदर यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहां पे नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए, अभी देखिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर खुल के आएगा। जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो ना डायरेक्टली वो होम स्क्रीन में आ जाता है और बहुत सारे लोगों को इरिटेटेड भी लगता है, लेकिन ये फीचर्स को बंद कर पाओगे उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग में जाना पड़ेगा, ऐड आइकन टू होम स्क्रीन इसको ऑफ करना पड़ता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है आप ना देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हो, बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो गायब हो गया है। लेकिन इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे ही नोटिफिकेशन को
क्लियरली देख पाओगे। उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर नीचे की तरफ ऐप आइकन बैजेस के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे इस फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा ना, सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में ना हर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, लेकिन अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन दिखाई ना दे, प्राइवेट रहे या हिडन रहे, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए फिर से होम सेटिंग के अंदर यहाँ पे ऐप आइकन बैजेस के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे डोंट शो एनी नोटिफिकेशन या हाइड नोटिफिकेशन, आपके हिसाब से कुछ भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। इस फोन में स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर पाओगे। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे डॉट दिखाई देगा, टैप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली एक साथ आप दो ऐप को यूज कर पाओगे, ऊपर की तरफ प्ले स्टोर, नीचे की तरफ यूट्यूब यूज कर रहा हूँ, तो आप भी बहुत आसानी से दो ऐप को एक साथ यूज कर पाओगे। इस फोन के वाईफाई के अंदर बेहतरीन फीचर्स मिलता है। सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क एंड इंटरनेट दिखाई देगा, उसके अंदर वाईफाई दिखाई देगा, इसके अंदर नेटवर्क परफॉर्मेंस दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। अगर आपके घर में वाईफाई है और आप घर से बाहर गए थे, जब आप घर के आसपास आओगे ना, अगर आपके वाईफाई बंद रहेगा तो फोन ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑन करके कनेक्ट कर देगा। नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क, अगर पब्लिक प्लेस में कोई भी हाई स्पीड नेटवर्क रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा ये फोन, अगर इस फीचर्स को इनेबल रखोगे तो। इस फोन में डार्क मोड देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे डार्क मोड यूज कर रहा हूँ और डार्क मोड मुझे बहुत पसंद है। इसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे आप लोगों को डार्क थीम दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। इसके अंदर आओगे तो इसको शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। डार्क मोड के ठीक ऊपर आई प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, इसको ऑन करोगे ना तो फोन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फोन का नहीं डिस्प्ले का कलर। मैं इसको ज्यादातर रातों में यूज करता हूँ, अगर इसको रातों में यूज करोगे तो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको आई प्रोटेक्शन चाहिए। जब आप न्यू फोन खरीदते हो यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है, उसको ऑन करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे स्टेटस बार दिखाई देगा, इसके अंदर यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज को इनेबल कर पाओगे। उसके ऊपर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर देना। जब आप इंटरनेट एक्सेस करोगे यहाँ पे स्पीड मीटर शो करेगा। यहाँ पे जो सारे आइकन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको चाहिए सिर्फ नंबर तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मेथड में आके नंबर कर देना, यहाँ पे दिखाई देगा कितना नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ नंबर दिखाई देगा। लेकिन मुझे आइकन बहुत पसंद है। ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है ना, बहुत सारे लोगों को ये नॉच पसंद नहीं है। पार्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन के लिए ये नॉच को हाइड कर सकते हो। उसके लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर नीचे की तरफ डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अमेजन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हाइड कवर्ड एरिया कर दूंगा। जब इसको मैं इनेबल करूंगा ना, ऐसे ही यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा और बहुत सारे लोगों को ये पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर बार यहाँ पे देख लीजिए वॉलपेपर चेंज होता रहता है, हर बार न्यू वॉलपेपर आता है लॉक स्क्रीन में। लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है कि वॉलपेपर चेंज ना हो, एक ही वॉलपेपर रहे, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए फिर से सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन पोस्टर में इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हर बार यहाँ पे देख लीजिए एक ही वॉलपेपर आएगा, यहाँ पे वॉलपेपर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल मोड भी देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर सिंपल मोड दिया गया है। जब इसको इनेबल करोगे ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। अगर आपके घर में बुजुर्ग आदमी ये फोन इस्तेमाल करने वाला है तो उन लोगों को ये फीचर इनेबल करके देना, इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगा, आइकन वगैरह बड़ा बड़ा हो जाएगा। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। ऐप के अंदर यहाँ पे ऐप क्लोन दिखाई देगा, यहाँ पे जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन वगैरह रहेगा ना, वही सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेगा। सोशल मीडिया एप्लीकेशन को छोड़ के अदर कोई भी एप्लीकेशन में आप डुअल ऐप को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे ऑन कर देना, फेसबुक दो हो जाएगा। अगर आपके फोन गुम हो जाता है उसके लिए एक बढ़िया फीचर्स दिया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर फाइंड माई डिवाइस दिखाई देगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आपके फोन में जो ईमेल आईडी है ना, वो देकर यहाँ पे साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है, इस वेबसाइट में आके उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। अगर आपको लगता है इस फोन में प्राइवेसी इशू है, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे परमिशन मैनेजर के अंदर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा चीज किस चीज के लिए परमिशन ले रहा है, सब कुछ यहाँ पे है। जैसे कि स्टोरेज किस किस चीज के लिए परमिशन ले रहा है, एल्बम परमिशन ले रहा है, ब्राउजर ले रहा है, कैमरा ले रहा है, यहाँ पे इजी शेयर वगैरह ले रहा है। अगर आपको लगता है ये कोई भी एप्लीकेशन स्टोरेज का परमिशन ना ले, तो यहाँ पे मैं आईकू क्लाउड में जाऊंगा और डोंट अलाउ कर दूंगा। ये कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। इस फोन में स्मार्ट मोशन देखने को मिलता है, उसके लिए शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर स्मार्ट मोशन दिखाई देगा। यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन कर देना, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा, डबल टैप टू लाइट और डबल टैप टू टर्न ऑफ। यानी कि होम स्क्रीन में अगर डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट ऑफ हो जाएगा, फिर से लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। स्मार्ट मोशन के अंदर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल कर देना। फोन को इस तरीके से थोड़ा सा शेक करोगे लॉक स्क्रीन में तो जो फ्लैश लाइट है वो इनेबल हो जाएगा। शॉर्ट
शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इजी टच, ये इनेबल है। यहाँ पे देख लीजिए एक बॉक्स जैसा खुल के आएगा, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटर, स्क्रीन शॉट, बहुत कुछ है। एप्लीकेशन वगैरह को भी आप ऐड कर पाओगे। उसके लिए कस्टमाइज मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन वगैरह कम है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जब ऐड करूंगा ना तो यहाँ पे देख लीजिए एक एप्लीकेशन था, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे खुल के आ गया है। इस फोन में वन हैंड मोड देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मिनी स्क्रीन, यहाँ पे टैप कर देना, वन हैंड मोड यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अगर आप एक हाथों में फोन को यूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये फीचर्स। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन के लिए टाइमर लगा सकते हो। उसके लिए डिजिटल वेलबींग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा डैशबोर्ड, इसके अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। मैं यूट्यूब को पकड़ता हूँ, यहाँ पे ऐप टाइमर में जाके मैं 30 मिनट सिलेक्ट कर दूंगा। दिन में यूट्यूब सिर्फ 30 मिनट ही आप देख पाओगे, जो टाइमर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही टाइम तक आप देख पाओगे, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जब तक यहाँ पे आके डिलीट नहीं करते हो टाइमर को तब तक यूज नहीं कर पाओगे एक दिन में उससे ज्यादा टाइम। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, वो भी पॉसिबल है। सिस्टम के अंदर, सिस्टम नेविगेशन के अंदर जेस्चर्स इनेबल कर देना। अभी देखिए बटन गायब हो गया है, जेस्चर्स इनेबल हो गया है। स्वाइप करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए होम स्क्रीन में आ जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे रिसेंट मेनू में आ जाओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी यहाँ पे बैक ही होगा। कैमरा के अंदर भी थोड़ा बहुत फीचर्स मिलता है। थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ पे वाटरमार्क दिखाई देगा, यहाँ पे टाइम वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क या मॉडल वाटरमार्क। एक पिक्चर मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आईको यहाँ पे Z6 लिखा हुआ आ गया है, तो ऐसे वाटरमार्क चाहिए तो यहाँ पे आके इसको इनेबल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।